शेप ये आपका, मैं रिपीट करूंगा बेटा एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, आपको टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशनशिप वर्कआउट करना है। टॉर्क को आप ऑलरेडी टाओ से डिनोट कर चुके हो, एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से आप डिनोट कर चुके हो, और आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर जो है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के बराबर ऑलरेडी आपने प्रूव कर लिया हुआ है। नाउ अब हमने क्या किया बेटा, सिंपली इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर वन का हमने बेटा डेरिवेटिव परफॉर्म करना है, और डेरिवेटिव परफॉर्म करने के लिए लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव आपका आ जाएगा डी एल अपॉन डी टी, और ये दो टर्म्स हैं आपकी आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर यू इंटू वी की फॉर्म आपकी बेटे यहाँ पे ये बन जाएगी। सो डियर चिल्ड्रन, आर वेक्टर आपका एस एच यू एस एच, क्रॉस प्रोडक्ट इसका आ जाएगा बेटे डी पी अपॉन डी टी प्लस आपका डी आर बाई डी टी, पहले का आपका डेरिवेटिव एंड सेकेंड टर्म बेटे एस एच। ये चीज बेटे हम इस तरीके से मैनेज करके चलेंगे। अब थोड़ा सा और फोकस करिएगा, ये डी पी अपॉन डी टी को अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका बेटे फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो वी में भी राइटिंग इट एज आर वेक्टर क्रॉस बेटे एफ वेक्टर प्लस, यहाँ पे ये थोड़ी सी और समझने वाली बात आ जाती है बेटा, डी आर अपॉन डी टी ये आपको बेटे सिंपली वेलोसिटी दे देता है। सो दिस इज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई पी को, डियर चिल्ड्रन ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें, पी को मैंने एम इंटू वी वेक्टर करके लिख दिया बेटा। अब एक स्टेप और मैं आगे अगर चला जाऊं बेटा, तो इसमें देखिएगा वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, आप एक वेक्टर का उसी के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हो, ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी या सिंपली वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, एम तो आपका मास कॉन्स्टेंट है, तो जब आप वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, आपका साइन ऑफ एंगल बेटा जो है वो जीरो आ जाएगा, बिकॉज आप जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप हुआ करता है। और बेटे यहाँ पे देखिए आपका वेलोसिटी वेक्टर है मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी वेक्टर, मैं इस इन दोनों वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो इट विल बी बी अगेन वी, क्योंकि सेम वेक्टर है, साइन आपका जीरो आ जाएगा, और साइन जीरो जो है इट विल मेक दिस टर्म्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एक्सप्रेशन एज बेटा जीरो। तो अगर बेटे ये जीरो हो गया, आपका ये टर्म कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, इट विल बिकम जीरो, तो आपका बेटा ये जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव परफॉर्म करने के बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन बच गया, जो चीज आपके पास बच गई है, दिस इज बेटा डी एल अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको मिल गया, और आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के क्रॉस आपका ये बच गया बराबर इक्वल टू इसके बच गया, बाकी सारा आपका खत्म हो गया। अब लास्ट टाइम आपने बेटे ये बात भी प्रूव की थी कि आपका जो टॉर्क है इट इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो इसकी जगह पर बेटे मैं टॉर्क का एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। सो डी एल अपॉन डी टी इट विल बी इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन द गिवन सिस्टम और द गिवन सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स। सो बेटे डियर चिल्ड्रन, सिंपल सी बात है, आपका जो टॉर्क है जो एक्ट कर रहा है किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर इन द रोटेशनल मोशन बेटा, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस रिलेशनशिप को ही हम बेटे डिराइव करने की कोशिश कर रहे थे। सो लेट मी रिपीट द स्टेप्स वंस अगेन बेटा, आपके पास एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के बराबर आप ऑलरेडी कर चुके हो, सिंपली इसका डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को आपने बेटा फोर्स लिखा, और डी आर अपॉन डी टी आपका वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी वेक्टर का वेलोसिटी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जब आप लोगे तो ये आपको जीरो दे देगा, और दिस टर्म विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग, और आपके पास जो चीज बच गई डी एल अपॉन डी टी इट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, एंड आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज नथिंग बट द टॉर्क, सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी बेटा। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर बेटा, इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल द चिल्ड्रन बेटा? नमन,
राघव रमन जीत बेटा, शुड आई प्रोसीड अहेड बेटे? ओके नाइस बेटे, नाइस, थैंक यू ऑल। इसके बाद बेटे मेरे पास छोटा सा और बिल्कुल मिलता जुलता इसके साथ कंसेप्ट है कि इक्विलिब्रियम जो है ये कैसे हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के केस में। इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, या आप इक्विलिब्रियम कैसे डिफरेंट बॉडीज के चलते मेंटेन कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन में कैसे कर सकते हैं, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, आप हेडिंग लिख लीजिएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडीज बेटे हम कैसे देख सकते हैं, लेट अस कंसिडर दिस, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज बेटा। रिजिड बॉडीज बेटे आपकी जो है ये किसी भी तरीके का मोशन प्रेस्क्राइब कर सकती हैं, मे बी लीनियर और या ट्रांसलेशनल भी आप कह सकते हो, और मे बी बेटे रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग। अगर आप बेटे लीनियर मोशन की बात कर रहे हो, लीनियर मोशन की या ट्रांसलेशनल मोशन कह लो, आप ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर लीजिए या लीनियर मोशन की बात कर लीजिए, इसमें आपका बेटे जो फोर्स है ये किसी भी बॉडी पे एक्ट करेगा तभी कोई बॉडी मूव कर पाएगी, नहीं तो कोई भी बॉडी जो है वो मूव नहीं करती, अनलेस और अनटिल वी अप्लाई एनी फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, वो आपका ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे ही रहेगा। अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है दैट विल बी इन मोशन। और आप अच्छे से ये भी जानते हो फोर्स आपका जो है बेटा ये अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ डीपी बाय डीटी के बराबर होता है। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर बेटे फोर्स अप्लाई जो कर रहे हैं वो जीरो के बराबर आ जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए, या आप फोर्स अप्लाई ही नहीं करते हैं तो आपका बॉडी जो है उसके ऊपर नेट फोर्स जो आपने जीरो कह दी है वो जीरो है या नहीं एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी रेस्ट पे है, आपने कोई फोर्स अप्लाई किया नहीं है, दैट विल रिमेन एट रेस्ट। और अगर कोई बॉडी ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, आप कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी बिकॉज आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ही नहीं किया है। सो एक तो बेटे लीनियर मोशन में ये सिंपल कंडीशन होगी कि आप कोई फोर्स अप्लाई ना करें, आपका ऑब्जेक्ट इट विल स्टे इन इक्विलिब्रियम। या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आप डीपी बाई डीटी की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो ये आपका जीरो आ गया, आप इसको इंटीग्रेट कर दें अगर आप इस रिलेशनशिप को, तो बेटे आपके पास आ जाएगा मोमेंटम पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमने फ्यू डेज बैक बात की थी जब आपने बेटा निकाला था सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट डिस्कस किया था। इट विल मीन दैट यहाँ तो आपका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, जिस मोमेंटम के साथ बॉडी ऑलरेडी मोशन में है या रेस्ट पे है तो दैट विल स्टे सेम, या आपके पार्टिकल की वेलोसिटी जो है इट विल रिमेन एज फिक्स्ड, इट विल बी कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट बेटा आपका दो तरह का हो सकता है, इट मे बी जीरो और इट मे बी रियली सम कॉन्स्टेंट फिगर, मे बी 1, 2, 3 समथिंग लाइक दैट। अगर तो पुत्र आपका ये वेलोसिटी जीरो है, आपका बॉडी जो है इट इज बिटे इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, और अगर ये कॉन्स्टेंट है कोई नंबर के बराबर है देन इट विल बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटे। सो बेटे दो तरह का इक्विलिब्रियम आपकी बॉडी पोजेस कर सकती है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, स्पेशली इन लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। आपने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया बॉडी के ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स नेट एक्टिंग जीरो है और डीपी बाई डीटी जीरो आ गया, इंटीग्रेट कर दिया आपने, आपका मोमेंटम सिस्टम का कॉन्स्टेंट आ गया, इसका मतलब है वेलोसिटी जो है दैट विल बी कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट वो जीरो भी हो सकता है। अगर वो जीरो है कॉन्स्टेंट देन इट इज द केस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट बेटा, और अगर आपका वेलोसिटी फिक्स्ड है कोई उसकी वैल्यू है वी विल बी कॉलिंग दैट एज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये आपका बेटा ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन का केस है,
ये आपका रोटेशनल मोशन का बेटा केस नहीं है। अगर आपकी बॉडी बेटे जो है वो रोटेशनल मोशन पोजेस कर रही है, तो लेट मी कम टू द अदरवाइज सिचुएशन। जब आप रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हो तब कैसे होगा बेटा, लीनियर मोशन के बाद हमारा काउंटर पार्ट इसका रोटेशनल मोशन ही है। दो तरीके से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ बेटा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी इन रोटेशनल मोशन बेटा, रोटेशनल मोशन इस केस में बेटे आपने अभी अभी प्रेजेंटली डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम एल, इसका जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आपका एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इसके बराबर का आपने फ्यू स्टेप्स बैक प्रूव किया था। इसमें एक्सप्रेशन में खास बात क्या है, फोर्स का ये बेटे रोटेशनल काउंटर पार्ट टॉर्क है, लीनियर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम है। वही एक्सप्रेशन है जो हम उधर लीनियर मोशन में लिखते हैं, अगर आप इसको रोटेशनल में लिख लो तो ये आपका टॉर्क बन जाएगा, फोर्स का लीनियर मोमेंटम का बेटे आपका एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा, तो इसमें कोई नई वाली बात नहीं। अब बेटे अगर आपका इस केस में एक्सटर्नल टॉर्क जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है ये जीरो हो जाए, आप टॉर्क ही ना अप्लाई करो। आपको याद होगा मैंने वो डोर का एग्जांपल देके आपको समझाया था, आप डोर को खोल रहे थे, बंद कर रहे थे, डोर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन के राउंड अबाउट मूव कर रहा था। अगर आप टॉर्क अप्लाई ही ना करें, आपका अप्लाइड टॉर्क जीरो हो, तो डियर चिल्ड्रन डी एल अपॉन डी टी आपका जो है इट विल बिकम जीरो। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट रिलेशनशिप को करेंगे तो आपका एंगुलर मोमेंटम जो है इट विल बिकम कॉन्स्टेंट। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होने का मतलब है एल आपका जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हुआ करता है। तो आपकी बॉडी जिस पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये मैं आपको प्रूव करूंगा आगे चल के, अभी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा होता है बेटा, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी बेटे, याद रखिएगा, मैं आगे जाके प्रूव करूंगा, प्रेजेंटली नहीं कर रहा हूँ। L आपका आई इंटू ओमेगा के बराबर हो गया, I तो अब आपका जीरो होना नहीं है, I तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका रोटेशनल काउंटर पार्ट ऑफ मास है। जो चीज लीनियर मोशन में मास है वही चीज रोटेशनल मोशन में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिजिड बॉडी का, आपके ऑब्जेक्ट का। अब देखो मास तो पुत्र जीरो होगा नहीं, इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इट विल ऑल्सो नॉट बी जीरो, और आपका इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये जब कांस्टेंट है इसका मतलब है ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट था, आपका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है यहाँ तो ये जीरो है तो यहाँ ये सच में कांस्टेंट है कुछ। अगर आपका एंगुलर वेलोसिटी सिस्टम का ऑब्जेक्ट का रिजिड बॉडी का जीरो है तो दैट विल क्लियरली इंडिकेट कि आपका जो बॉडी है रिजिड बॉडी है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, और अगर ये कोई प्योर नंबर है इट इज पोजेसिंग द डायनामिक इक्विलिब्रियम बेटा। तो ये आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और इधर आपका बेटे आ जाएगा जी डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैं रिपीट कर देता हूं बेटे फ्यू स्टेप्स एक बार फिर से, प्योरली मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने उठाया है इसको, मैं अदरवाइज भी एक्सप्लेन कर देता हूं। टॉर्क आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर, आपने टॉर्क अप्लाई ही नहीं किया, जीरो अप्लाई टॉर्क है आपका, इट विल मीन डी एल बाई डी टी जीरो हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दोगे एल कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एल आपका आई इन टू ओमेगा होता है, याद रखिएगा मैं आगे जाके प्रूफ भी करूंगा। आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके लिए नई टर्म है। जो चीज आपकी लीनियर मोशन में मास होती है वही चीज आपकी रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है बेटा, ये अपने माइंड में रखिएगा। और ये आपका जो है फर्दर मोर एंगुलर मोशन में आपका एंगुलर वेलोसिटी है, रोटेशनल काउंटर पार्ट ऑफ द लीनियर वेलोसिटी है। तो अब बेटे देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि ओमेगा को कांस्टेंट होना पड़ेगा, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है
इट मे बी रियली नॉन जीरो कॉन्स्टेंट ऑल्सो। अगर ये जीरो है आपका बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजेस करेगा, अगर ये नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है तो आपका बॉडी बेटा जो है इट विल पोजेस डायनामिक इक्विलिब्रियम बेटा। इस बात का खास ध्यान आप रखिएगा। ये तो था इसके साथ रिलेटेड बेटे सारे का सारा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कैसे है। मैं आपको थोड़ा सा फिजिकली भी गाइड कर दूं कि अदरवाइज ये डायनामिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा कैसे, स्पेशली स्टैटिक इक्विलिब्रियम रोटेशनल मोशन में बच्चों कैसे हो जाएगा। आइए थोड़ा सा बात करके देखें। आपके पास ये एक लॉन्ग 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 रॉड टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, एक रॉड है इमेजिन कर लीजिएगा ये, और आपने ये कोई कॉनिकल वेज इसके लोअर पार्ट में प्लेस कर रखा है। ये आपका बेटे जो है यहाँ पे आपका कॉनिकल वेज के ऊपर ये रॉड सपोर्टेड है, इतना हिस्सा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया फ्रॉम दिस सेंटर, और ये इसका डिस्टेंस आ गया फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर। इधर आपने एक फोर्स F1 अप्लाई किया वर्टिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इधर आपने एक फोर्स F2 अप्लाई किया वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपको बच्चों बताया था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका टॉर्क हो जाया करता है, ये फोर्स है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और डियर चिल्ड्रन ये आपका टॉर्क बन जाएगा इस तरफ, मैं इसको टाउ वन कह देता हूँ। इट इज इक्वल टू एफ वन इंटू एल वन, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कह सकते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपका क्लॉकवाइज आ जाएगा, इट विल बी टाउ टू, इट विल बी बेटे एफ टू वैक्टर इंटू एल बेटा। फ्यू डेज बैक हमने बेटे बात की थी कि आपके जो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के बारे में हमने बात की थी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को पॉजिटिव लेते हैं हम बेटा, और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं इनको नेगेटिव लेते हैं। इसका मतलब है कि ये आपका पॉजिटिव रहेगा, इसको हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो आपका नेट टॉर्क बेटे कितना बन गया, टाओ वन प्लस माइनस टाओ टू। अगर ये यहाँ पे बैलेंस है, ये सेंटर इसका यहीं पे रहता है, इट विल बिकम जीरो, और आपका मैग्नीट्यूड अगर मैं ले लूं वेक्टर छोड़ दूं, एफ वन एल वन माइनस एफ टू इंटू एल टू, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो, या आप ये कह लीजिए आपका एफ वन इंटू एल वन, ये वाला फोर्स मल्टीप्लाइड बाई ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज बैलेंस्ड बाई दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाई दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटे एल टू। तो ये आपका बेटा इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है। तो वी कैन इन दिस मैनर बेटे से दैट कि आपका रिजिड बॉडी जो है इट विल बी इन द इक्विलिब्रियम पोजिशन और इक्विलिब्रियम पोजेस करेगा। छोटा सा आइडिया बिल्कुल इसके साथ रिलेटेड बेटा, आइए थोड़ी बात करके देखें। इसी के साथ आप हेडिंग नया लिख लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स बेटा। हमारे पास नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है बेटा, दैट इज बेटा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है। आइए देखें बेटा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बेटा। बेटे जब भी आप प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की बात करते हो, हमारा फिजिकल बैलेंस भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स स्टेट्स दैट ए बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू बेटा जीरो। सो आई कैन से दैट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बेटा इट स्टेट्स दैट ए बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ the moments of all the forces, the moments of all the forces is zero beta। ये क्या स्टेटमेंट हमें कन्वे करती है
क्या इसका मीनिंग है उसके लिए थोड़ा सा देखिएगा। मैं वही बेटे एग्जांपल ले रहा हूँ। इमेजिन कर लीजिए आपके पास कोई ये रॉड टाइप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपने एक शार्प कॉनिकल वेज प्लेस कर रखा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर आपने जो है बेटा ये डी वन कह दिया, आप एल डी आर कुछ भी कह सकते हो, इसको आपने बेटे कह दिया डी टू। इस तरफ आपका अप्लाइड फोर्स एफ वन के बराबर है और इस तरफ आपका अप्लाइड फोर्स बेटा जो है एफ टू के बराबर का है। तो ये वाला फोर्स मल्टीप्लाइड बाई दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज बैलेंस्ड बाई दिस फोर्स एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन योर बॉडी विल बी बेटा इन इक्विलिब्रियम। ये जो फोर्स और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, मल्टीप्लाई आप कर देते हैं एफ वन को एल वन से, इसको बोल देते हैं मोमेंट ऑफ द फोर्स। फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ द फोर्स। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, इसको पॉजिटिव लेंगे, ये आपका क्लॉकवाइज है, इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। इन दोनों का सम आपका हो गया जीरो और आपकी बॉडी जो है बेटा ये बैलेंस हो जाएगी, रोटेशनल मोशन में इक्विलिब्रियम पोजेस करेगी। ज्यादा से ज्यादा एक आप छोटा सा और काम शो कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आप अपवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट कर सकते हो, इन दोनों फोर्सेस का नेट रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। प्रेजेंटली मुझे जरूरत नहीं थी, मैंने नहीं वो बनाया बेटा, अदरवाइज आप मार्क कर सकते हैं। राइट बेटा, नमन, हर्षप्रीत, हरनूर बेटा, राघव, रमनजीत, दीक्षा, दलजीत, विवलूर, गुरसिमरन, इश्नूर, मनजोत, मिताली, सहज, बच्चों चलें आगे पुत्र, सारे स्टूडेंट्स बेटा, ओके नाइस नाइस गुड, ओके ओके बेटे ओके। इसके बाद बेटे हमारे पास बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है बेटा, आइए इसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर लें, देन वी विल बी प्रोसीडिंग अहेड विद द डिस्कशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे आपने बेटे सेंटर ऑफ मास के बारे में प्रीवियसली बात की थी कि सेंटर ऑफ मास जो है ये इमेजिनरी पॉइंट है वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी और द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड, तो यहाँ पे ग्रेविटी की जब आप बात करेंगे तो आप मास की नहीं बल्कि वेट की बात करोगे, बाकी सारा ही सेम है बेटा। तो जब भी आप बेटे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करोगे आप सिंपली कह देंगे इट इज द पॉइंट वेयर द वेट ऑफ द बॉडी जो है वो एक्ट करता है किसी भी पॉइंट पर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स बेटा। तो ये आपका बेटे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये सेंटर ऑफ मास से बेटे टोटली डिफरेंट है, इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। अब बेटे यहाँ पे छोटा सा हमारा एक और कंसेप्ट है, वी हैव फ्यू मिनट्स विद दस बेटा, आपको देखिए रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन को आप पैरेलल स्टडी कर रहे हो, आपने लीनियर मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस कर रखी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, उनका रोटेशनल काउंटर पार्ट हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे इक्वेशन आपका पहला है बेटा एस, आपका पहला इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे आपके पास बेटे जो पहला इक्वेशन आ जाएगा आपके लीनियर मोशन में बेटा, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ये आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का रोटेशनल काउंटर पार्ट है। आइए बेटे इसको ब्रीफली डिस्कस करके देखें, डिराइव करके देखें कि हम कर कैसे सकते हैं बेटे, इस रिलेशनशिप को डिराइव कैसे कर सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंगुलर वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है, अल्फा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है, इट इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी पुत्र, इसको डी टी को मैं इस तरफ ले आता हूँ, डी ओमेगा इज अल्फा डी टी बेटा, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, डी ओमेगा इट इज इंटीग्रल अल्फा डी टी
और आपका ओमेगा नॉट टू ओमेगा एंड जीरो टू टी लिमिट्स आ जाएंगे बेटे बेटे डी ओमेगा का इंटीग्रल आ जाएगा जी ओमेगा ओमेगा नॉट टू ओमेगा अल्फा आपका कॉन्स्टेंट था इंटीग्रल ऑफ डी टी विल बी टी इट विल बी जीरो टू टी सिंपल आप बेटे डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला रिलेशनशिप यूज कर रहे हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज अल्फा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सो पुत्र इस ओमेगा नॉट को आप उस तरफ ले जाइए ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी के बराबर आ जाएगा ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन द रोटेशनल मोशन आपको मिल जाता रिगार्डिंग बेटे सेकेंड इक्वेशन सेकेंड आप कैसे डिराइव कर सकते हो बेटा आप जानते हैं ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी टी के बराबर होता है सो डियर चिल्ड्रन डी टी को आप इस तरफ शिफ्ट करिए डी थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी बेटा ये देखिएगा ओमेगा आपने ऑलरेडी वर्कआउट कर लिया है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा डी थीटा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी और इसके सारे के साथ आपने डी टी कर दिया अब डी टी को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लीजिएगा डी थीटा इज ओमेगा नॉट इंटू डी टी प्लस अल्फा टी डी टी अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए डी थीटा इंटीग्रल ओमेगा नॉट इंटू डी टी इंटीग्रल अल्फा टी डी टी जीरो टू टी और जीरो टू टी बिकॉज डी टी के साथ आप ले रहे हो थीटा नॉट टू थीटा इंटीग्रल ऑफ डी थीटा विल बी थीटा ये थीटा नॉट इनिशियल वैल्यू थीटा इसकी फाइनल वैल्यू एंगल की जितना भी ट्रेस हुआ है ओमेगा नॉट आपने बाहर निकाल लिया इंटीग्रल ऑफ डी टी इज टी जीरो टू टी लिमिट्स आपने यूज किए अल्फा आपका कॉन्स्टेंट है टी डी टी के विद रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर अपॉन टू जीरो टू टी आ जाएगा जी सो इट विल बी थीटा माइनस थीटा नॉट इज ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर इस चीज को आप नट शेल में डिस्प्लेसमेंट थीटा बोल देंगे इट इज ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर सो इस तरीके से आपके पास बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेशनल मोशन बन जाता है एक बार फिर से देख लीजिएगा बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी है डी टी को इधर शिफ्ट किया ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी और हमने कुछ खास काम नहीं किया सिंपली इंटीग्रेट किया है अगर सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है तो मुझे इंडिकेट कर दीजिए मैं आगे चलूं पुत्र हरनूर नमन अर्शप्रीत राघव वेरी नाइस बहुत अच्छे बच्चे हैं साथ साथ आई होप कि आप नोट भी कर रहे होंगे थोड़ा सा और लिटिल बिट मैथमेटिकल कॉन्टेंट है आई होप आप अच्छा कर रहे हैं काम और यू विल कंटिन्यू इन दिस मैनर तीसरा इक्वेशन बेटा मेरे पास फ्यू मिनट्स अभी भी पड़े हैं मैं कर देता हूँ साथ ही साथ इसको भी डिराइव कर देता हूँ थर्ड इक्वेशन को हम कैसे कर सकते हैं बेटा अल्फा थर्ड इक्वेशन डिराइव करने के लिए एंगुलर डिस्प्ले एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आपका जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के बराबर है आपने डी टी को डिनोमिनेटर में कुछ इस तरीके से देखिएगा एडजस्टमेंट किया डी थीटा से मल्टीप्लाई डी थीटा से डिवाइड डी टी ऐसे पड़ा रह गया डी टी था डिनोमिनेटर में डी थीटा से डिवाइड और डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया हमारा रिलेशनशिप थोड़ा सा सिस्टमेटिकाइज हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी आपका ओमेगा के बराबर है सो इट विल बी ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा आ जाएगा जी पुत्र डी थीटा को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करिएगा अल्फा डी थीटा ओमेगा डी ओमेगा के बराबर आ गया अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए साथ ही साथ सो इट विल बी अल्फा इंटीग्रल डी थीटा थीटा नॉट टू थीटा इट इज ओमेगा स्क्वायर बाई टू और लिमिट्स आपने ओमेगा नॉट टू ओमेगा यूज कर लेने सो इट विल बी अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट एंड इट इज इक्वल टू वन बाई टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर टू को इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए ये डिफरेंस आपका थीटा के बराबर ही रहेगा सो टू अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर
तो यही आपका बच्चों थर्ड इक्वेशन रोटेशनल मोशन में है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू एस का काउंटर पार्ट है ये। तो इनको रिलेशनशिप को एक बार जरूर देखिएगा बेटा। सो विद दिस मैं यहाँ पे बेटे रुक जाता हूँ। किसी भी बच्चे ने कोई पॉइंट पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम एनीवन फ्रॉम योर साइड बेटे, एनी चाइल्ड हैविंग एनी पॉइंट दैट वी नीड टू रीडिस्कस यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। अनूर, नमन, रमन, अर्षप्रीत, राघव, दीक्षा, दिलजीत, देवलूर, दुसिमरन, जपन, प्रीत, ख्याति, मंजोत, मिताली, सारे बच्चों को बेटा सारा क्लियर है? ओके बेटे, नाइस बेटे। मैं यहाँ पे बेटे एंड करता हूँ फिर मीटिंग को। थैंक यू ऑल बेटा।